सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज का मौसम जो है ना, वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब रात से बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया अब। और बिना स्वेटर के तो मैं बोलता हूँ छत पर आना बेवकूफ़ी है। तो धूप वगैरह तो नहीं है क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा मौसम एक तरफ से दिख रहा था साफ, पर अभी जो है ना बारिश का मौसम बन चुका है। तो मैं तो अभी उठाऊँ, लेकिन हाँ जब मैं नहीं मैं अभी उठाऊँ यार, छोड़ो अभी उठाऊँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किस प्रकार का मौसम हो चुका है। एकदम ठंडा मौसम, बादल ही बादल दिखेंगे आपको। और अभी हो सकता है दिन के टाइम वापस बारिश हो। देखो क्या कमाल का मौसम हो रहा है। व्यू चेक करो भाई, व्यू कितना ज़बरदस्त व्यू है। मैं आपको ऊपर, या सीढ़ी है नहीं, यहाँ पर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता, वहाँ पर वहाँ से दिखाता आपको व्यू। तो फिलहाल आप व्यू चेक करो। रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, देखो पूरा छत अभी तक पानी से भरा हुआ है। और हमारी जो लकड़ थी ना, सारी गिल्ली हो गई, क्योंकि यही है ना जो सर्दियों में आग जलाने के काम आएंगी। और इधर भी हैं, और स्टोर रूम में भी काफ़ी सारी लकड़ भी हैं। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं सबसे पहले जाकर ब्रेकफास्ट, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आपसे मिलेंगे। और एक चीज़ और गाइस, देख सकते हो आप यहाँ से जो हमारी बेल थी ना, एक वो तोरी वाली, वो हमने पूरी हटा दी है, और ये पूरी यहाँ पर थी। तो हटाने के बाद हम, क्योंकि कल शाम को ही हमने हटाई थी, तो हम यहाँ पर लगा रहे थे, लाइट्स लगा रहे थे, दिवाली है ना परसों, तो फिर मैंने सोचा चलो आज लगा लें, क्योंकि बारिश भी है ना, ये ना वो हवा के कारण जो है ना सारा का सारा ख़राब हो जाए सिस्टम, इसलिए आज हम लगाएंगे ये लाइट्स, अगर बारिश रुकती है शाम तक तो, नहीं तो देखेंगे कल लगा लेंगे सुबह सुबह अगर मौसम साफ़ हुआ तो। फिलहाल वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे मोंटी पे और वहाँ से लाइट्स लगाएंगे। चलो यार चलते बिना टाइम वेस्ट किए, और मिलते हैं आपको बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद। तब तक के लिए व्लॉग को स्किप मत करना और बने रहना व्लॉग में। अभी आप देख सकते हो बारिश ने ना फूल हमारे सारे के सारे ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि बारिश रात को काफ़ी तेज़ हुई है, तो उससे क्या हुआ सारे के सारे फूल जो है ना, ये सारे देखो टूट चुके हैं यहाँ से सारे फूल। कुछ देखो यहाँ से टूट के नीचे गिर गए हैं, ये देखो सारे सारे फूल गिर गए हैं, मतलब टूट चुके हैं। और इस तरफ यहाँ भी हुआ है, और ये देखो आगे ये यहाँ तो बुरी हालत कर दी है बारिश ने फूल, ये देखो ख़त्म कर दिए सारे के सारे। ये को तो देखो कितना बड़ा था, इस बेचारे को भी छोड़ रही है बारिश ने। चलो यार, बारिश या कुदरत है तो इसके साथ कौन टच हो सकता है। तो फिलहाल ये देखो यार, तो मेरे रूम की सफाई हो रही है, और सफाई कौन कर रहा है ये भी देख सकते हो आप। और मैं आया था ब्रेकफास्ट करने, इसने बोला यहाँ मत बैठ के करना, बाहर चल बाहर, इसलिए आई एम गोइंग टू बाहर, बाहर जाके हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो सारी सफाई इसने की यार, आज मैंने कोई नहीं की, आगे मैं करता था पर आज ये कर दिए। वाह गजब बेइज्जती है जूट। लाइट आ गई है तो हम अभी लगाते हैं स्पीकर पर गाने और सुनते हैं गाने। सो गाइस, अभी दिन के खाने का जो है वो चल रहा सिस्टम, और भी मम्मा बना रहे हैं मक्की की रोटी, और साथ में शायद सब्जी होगी कोई, मैं देखे नहीं है अभी। तो आज हमने आटा, जो नई मक्की थी ना उसका आटा लाया, तो आज मम्मा बना रहे हैं मक्की की रोटी। सो फ्रेंड्स, अभी ना मम्मा नीचे बना रहे हैं खाना, आज बन रही है मक्की की रोटी, और प्लस हमने जो तोरियाँ कल उतार दी थी सारी, उनकी सब्जी बनी है और चटनी साथ में। तो मैं बना रहे खाना, और मैं वापस छत पे आया हूँ, मैंने सोचा मौसम थोड़ा ठीक होगा, पर नहीं, मतलब बारिश का मौसम जो है ना अभी तक बना हुआ है। तो मैं भी सोच रहा हूँ बारिश ना ही हो शाम तक, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ खाना खाने के बाद ना मैं अपना काम जो है ना यहाँ पे जो लाइटें लगाने का वो शुरू कर दूँ। सो गाइस, अभी मैं सोकर उठा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी आइए गर्म गर्म चाय साथ में समोसा और चटनी। और काफ़ी देर से मैं सोया हुआ था, 2-3 घंटे हो गए सोए हुए, कि फीवर था ना तो फिर नींद आ गई अच्छे से, अब थोड़ा सा फ़र्क है। तो चलो अब हम चाय पी के चलते हैं सीधा अपने जो लाइट्स लगाते हैं। सो गाइस, ये रखी है हमारी लाइट्स, और अब बिना टाइम वेस्ट किए ना सीधा मोंटी पे चढ़ते हैं, फिर इनको लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब रात पड़ रही है। फ्रेंड्स, फाइनली अभी शाम का टाइम हो गया, मतलब 6:45 हो गया, 6 बजने वाला, अंधेरा पड़ने वाला है। तो अभी मैंने ये वायर बिछा दी है यहाँ पर, और मैंने जो 2 लाइट्स है ना वो भी लगा दी हैं। और देखो यार अंधेरा पड़ रहा है, इवनिंग टाइम हो गया, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लगाते हैं पहले, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। 4 जो है ना वो लाइट्स रहती हैं, और मैंने अभी इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना वो लाइट्स मैंने लगा ली हैं। और ये देखो अभी जब जगाऊंगा ना फिर पता चलेगा। तो चलो यार, अंधेरा देखो कितना ज़्यादा पड़ गया, जब मैं ऊपर चढ़ा था ना मोंटी के ऊपर बनाने के लिए, मतलब लगाने के लिए, तब तो बिल्कुल मतलब थोड़ी सी रोशनी थी। अब देखो बिल्कुल सनसेट, देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी दिख रही होगी आपको, और क्या लाजवाब है। चलो पूरी लाइट्स लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी जो लाइट्स हैं ना वो लग के रेडी हो गई हैं, और देखो हमें जगह भी दिए हैं,
काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो चलो आपको थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ लाइट्स के। सो गाइस ये देखो मैंने तुलसी के जो पेड़ था ना ऊपर, उसके ऊपर से भी लाइट्स मैंने लगा ली हैं, तो कितनी मतलब सुंदर लग रही है यहाँ से पूरा। ये देखो तुलसी का पेड़ ये वाला, तो यहाँ पे तो बाकी आप देख सकते हो मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब कितनी अच्छी डेकोरेशन लग रही है। तो अभी तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जब अच्छे से होगा ना फिर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दी नेक्स्ट डे, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है व्लॉग का दूसरा दिन और ये व्लॉग में जो था ना कल का और आज का कंबाइन होगा दो दिन का, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट फ्री हुआ मैं जो लाइट्स वगैरह लगा रहा था ना। एक तो आपको पता दिन को बारिश हुई, उससे पहले रात को ही बारिश हुई और काफ़ी ठंड थी, हवा तेज़ चल रही थी, तो मोंटी के बाबा को पता कि हवा कितनी तेज चलती है, तो वहाँ पर बैठ कर जो मैंने लाइट्स लगाई सारी, तो 7:30 हो गए, 7:30 बजे तक मैं फ्री हुआ लाइट्स लगा के सारी। उसके बाद चेक की जलती भी हैं, ये नहीं जलती क्योंकि अब लगा तो दी, अब वापस कौन चढ़ेगा ऊपर ठीक करने के लिए, तो फिर देखा वैसे चल गई सारी की सारी, अब पीछे देखी होंगी। और 8:30 तक जब मैंने खाना खाया ना, उसके बाद भाई साहब इतना तेज़ बुखार, पूरी रात नहीं सोया, सुबह 5:30 के करीब शायद नींद पड़ी और अब 11:30 उठाऊँ, तो अब ब्रेकफास्ट की है, अब जाता हूँ छत पर। अभी बाहर का मेरे को मौसम नहीं पता कैसा है, धूप है या क्या है क्या नहीं, तो ये तो छत पर जाकर पता चलेगा कैसा मौसम है। जैसे कल था ना बादल ही बादल थे, ठंड थी, तो आज का मौसम पता नहीं कैसा होगा, तो देखते हैं क्या बनता है, क्या सीन रहता है। तो अभी छत पर चलते हैं, अभी तो थोड़ा सा फीवर का फ़र्क है पर इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो व्लॉग है ना वो कंप्लीट हो जाए आज के दिन के लिए। तो चलो मिलते हैं आपको सीधा ऊपर छत पर जाकर, तो पहले देखते हैं घर की सफाई कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि दिवाली है ना कल, तो देखते हैं कहाँ तक दिवाली की सफाई पहुँची है। फाइनली सफाई तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि देखो यहाँ से कर्टन्स उतार दिए गए हैं सारे के सारे, और देखो यार इसके ऊपर भी काफ़ी धूल पड़ चुकी है, अब इसको भी साफ़ किया हुआ है, शायद कर दिया है, और सफाई सारी कंप्लीट। सो गाइस देखो अब बाहर आते ही ना, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि कल दिवाली है ना, तो ये देखो कर्टन सारे उतार दिए गए हैं यहाँ से, और मुझे लगता है धोने के लिए ले गए हैं। और यहाँ पर बंदा क्या कर रहा है, दिस बंदा इज बनाइंग चाय, हाँ ये बंदा चाय बना रहा है। के रूम के भी सारे कर्टन उतार दिए गए हैं, और ये बंदे से धोने वाले धोनी सारे, आप सोने वाले, हम धोने वाले, सोने वाले नहीं, पूरी रात बुखार था, बुखार था इसलिए, बुखार था तो हाँ। अभी छत पे चलते हैं, देखते हैं कितने धोए हैं, ये देखो सारे के सारे उतार दिए गए हैं, चलते हैं छत पे अब देखते हैं। सो गाइस अभी मैं छत पर आया हूँ, और ये देखो सभी धूप लगवा रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट किया मैंने, और ये देखो कर्टन सारे जो थे ना धो के ऊपर मतलब तार सुखाने के लिए भी डाल दिए इन्होंने, और ये देखो कुछ यहाँ पे हैं कुछ, ये देखो अभी पानी पड़ा होगा, कुछ कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, मुझे लगता है अभी ये धोने के लिए रखे हुए हैं। तो आगे मैं धोता था ना, इस बार तो बुखार था बहुत ज़्यादा, तो इस बार मेरे से नहीं हो पाया, इस बार मम्मा और पापा ने ही धो लिए सारे के सारे कर्टन। धूप अच्छी थी ना, कल बारिश थी पूरा दिन, तो कल सूखते भी नहीं, तो आज अच्छी तरह से सूख जाएंगे, और आज मौसम बिल्कुल साफ है, क्लियर स्काई। सो गाइस अब सब धूप लगवा रहे हैं, तो मैं भी आराम से धूप लगवा लगाऊं, क्योंकि आपको पता है फीवर में ठंड लगती है काफ़ी ज़्यादा, तो आराम से सोने लगाऊं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो जिसको व्लॉग पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में।